तो सबसे पहले जो हम लोग का जो फेवरेट होता है ये निकालने का। सो अब आ गया हमारे फोन को ओपन करने का यार, और ये बात है ये ओपन करने का। सो चल गए, इसमें स्क्रीन लगेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। सो इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा भाई, स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे मेरा फोन हो गया चालू, तो फिंगरप्रिंट चालू करते हैं और अच्छा फास्ट है। और जैसे कि देख सकते हैं हम लोग लेकर चलते हैं बाहर की तरफ, और कैमरा वगैरह दिखा देते हैं पहले मैं आप लोगों को सेटिंग। सो ये देख सकते हो ये है रैम साइज 12 GB और रोम साइज 256 GB और डिस्प्ले 2400। क्या हाल चाल है, वेरी गुड मॉर्निंग जो ऑफ यू, और बज चुके हैं ऐसे गुड आफ्टरनून, हो गया 12 बज गया, तो 5 मिनट बाकी है 12 बनने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं हूँ घर पे और आज है भाई दूज, और वैसे फिलहाल अभी भाई दूज का कंटेंट नहीं है, भाई दूज का बाद में होगा कंटेंट, तो उसका दूसरा ब्लॉग बनाएंगे। और आज आने वाला है मेरा मोबाइल, नहीं पता कब आएगा, अभी तक नंबर वगैरह नहीं मिला, कॉल करता नहीं तो मोबाइल के लिए, तो फिर उसका भी वीडियो ओपन वाला मैं रखा हूँ है ना, 50 रुपये अलग से लिए ओपन वाला, तो आपको दिखाएंगे मैं कौन सा मोबाइल मंगवाया हूँ। तो अभी फ़िलहाल वैसे पता तो चल जाएगा, चलो बता देता हूँ, Moto G54 मंगाया हूँ मैं, और बहुत अच्छा मोबाइल है वो, तो आगे पता चलेगा। बहुत सारा रिव्यू देखा मैं, और आज मैं भी अपना रिव्यू बता दूँगा, ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि मेरे पास आ रहा है, ऑब्वियसली की बात है, अच्छा कि नहीं तो वापस मंगा भेजा जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ मैं उसी का, कब आएगा कब नहीं आएगा, 11 बजे लिखा था, पर देखते हैं। सो गाइस हमारा मोबाइल आ चुका है, तो इसी बात पे एक टॉप टाइगर फोड़ा था, चलो बाहर मिलते हैं। सो गाइस मोबाइल आने की खुशी पे चॉप टैगर फोड़ने जा रहा हूँ, वो भी एप्पल के लाइटर से, तो लेट्स गो। और ये रहा अपना चॉप टैगर, देख सकते हो यहाँ पे लगाते हैं। तो भाई आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरा आ गया नया मोबाइल और उसका थोड़ा सा ऐसे रिव्यू वगैरह देखेंगे। सो फाइनली ये रहा अपना नया मोबाइल Motorola G54। तो ये है Motorola G54, 5G फोन है, और बता देता हूँ मैं MRP वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है, और 256 12 GB लिखा हुआ है, ओके गॉट इट, यही है मेरा जो मैं मंगाया था, मेड इन इंडिया, ओके गॉट इट। रुपीज़ है 22,000 रुपये। वैसे आप लोगों को अभी मैंने लिया था, मेरे को पड़ा SBI में 10% डिस्काउंट के साथ 14,000 याद नहीं है, मैं बता दूंगा बाद में। और फिलहाल करो ओपनिंग, क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, कर दे क्या, कर ही देते हैं। यस सो ये अपना सील मैंने खोल के रखा था, क्योंकि फ्लिपकार्ट से वो ओपनिंग वाला था, तो 50 रुपये लिया था एक्स्ट्रा, उसका 50 रुपये लेते हैं यार, बेकार है। तो गाइस फाइनली सबसे पहले ये मिलेगा अपना ये Motorola का फोन, और ये देखो पीछे का शाइन एक नंबर है, और हमको मिला है ये कवर, मैं आप लोगों को कवर दिखा देता हूँ, कवर का किस तरीके का है, और कवर है अच्छा है। और ये भाई ये चेक करो, हाय 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 जो शाइन मार रहा है ना, मजा आ जा रहा है। और यहाँ पे भी ग्लास लगा हुआ है, ग्लास लगा है यहाँ पे, और बहुत प्यारा दिख रहा है, और कैमरा भी बहुत सुंदर दिख रहा है, दो कैमरा दिया माइक्रो कैमरा, इसलिए मैं मिल रहा है दो कैमरा, एक ही में इन वो दे दिया, मतलब क्या बोलते हैं इंटीरियर दे दिया। और ये कवर भी बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, और अभी फिलहाल लगाते हैं और इसको ओपन करते हैं गाइस। तो सबसे पहले जो हम लोग का जो फेवरेट होता है ये निकालने का। तो अभी फिलहाल ये रैपर में दिखा देता हूँ मैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, ये चेक करो। डिटेल एट द फुल हाई परफॉर्मेंस 5G एंटरटेनमेंट एडवांस 50 MP कैमरा, और कैमरा 50 MP दिया, OIS कैमरा दिया हुआ है, और 5000 mAh बैटरी है, और टर्बो पावर है, 33 वोल्ट का चार्जिंग दिया हुआ है, इसमें 30 चार्जिंग क्यों लिखा हुआ है भाई, वो क्या है। योर स्मार्टफोन नीड एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर द इनिशियल डिवाइस सेटअप, ओके गाइस हमारे घर में बैठे कोई दिक्कत नहीं है, और फिलहाल इस ये काम करनी है, तो इसको निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो साइड करते हैं इसको, और फिर फाइनली मोबाइल को खोलेंगे ना, रुक जाओ ना मोबाइल को खोलेंगे। तो अभी फिलहाल ये चेक करो, ये आ गया हमारा मोबाइल, और इसको ऐसे खोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये डब्बा इस तरीके से निकलता है, अच्छा सब इसी में है। तो ये केबल है, केबल को बोलूंगा कैसे यार, ऐसे डाल देते, चलो ठीक,
कैसे स्टोर करके रखते हैं? ओके कोई बात नहीं, साइड में रखते हैं इसको टेबल पे। और इसके फिर ये पहले मिल जाते हैं मोबाइल का मैनुअल वगैरह, यहाँ पे मैनुअल मिल जाता है। और इसको देखकर मैं बता दूंगा क्या क्या सीन लिखा हुआ, क्या क्या लिखा नहीं, क्या क्या लिखा हुआ है। और अभी फिलहाल इसमें मिल जाता है सीन निकालने वाला ये पिन, फोकस कर भाई, हाँ पिन। तो उसके बाद इसको भी साइड करते गाइस, देन उसके बाद मिल जाता है ये एडाप्टर, एडाप्टर ही बोलते हैं ना, 33 वोल्ट, 33 वोल्ट कहीं लिखा नहीं है क्या? ओके आई गॉट इट, 30 वोल्ट 33 वोल्ट मैक्स है। ओके 33 वोल्ट मैक्स है, मैक्स बोलते हैं तो सॉरी गाइस, पहले पीछे हमारी मम्मी का तो मैक्स निकल जाता है, मैक्स बोल रहा था मैं, 33 मैक्स और 30 वोल्ट का चार्जर है। ओके गाइस, और ओके फिर अभी फिलहाल ये है बस डब्बा, तो फिलहाल खाली है, मेरे को डब्बा खाली है अभी, उसमें और कुछ नहीं है। तो अभी ये मैनुअल है, मैनुअल आप लोगों को दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद मोचो करके मोबाइल को चालू करेंगे। तो अभी फिलहाल ये दिखा देता हूँ मैं, मोटो जी 54 मेन कैमरा दिया हुआ है, माइक्रो अल्ट्रा वाइड कैमरा उसी में नहीं नीचे वाले में दिया है, और स्पीकर है, और हाँ इसमें डॉल्बी स्पीकर सपोर्ट है, और उसके बाद स्पीकर है, ऊपर भी स्पीकर है डॉल्बी का, तो फ्रंट कैमरा है, और सिम माइक्रो एसडी कार्ड है। और इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, वो वाला नहीं है, दो सिम और एक माइक्रो कार्ड वाला नहीं है, इसमें एक माइक्रो मतलब एक सिम लगेगा और एक माइक्रो कार्ड लगेगा, या फिर एक सिम लगेगा, ऐसा वाला है। तो ये हेडसेट जैक है, माइक्रोफोन है, यूएसबी सी टच चार्जर है, और स्पीकर है, और पावर ऑफ बटन, और उसी में फिंगरप्रिंट वाला है जो नॉर्मली अभी बहुत चल रहा है वो सब है, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ओके फ्लैश है, माइक्रोफोन है। तो बस इतना ही है इसमें, मैनुअल में इतना ही दिया है, और ये भी दिया हुआ है, ये दिखा देता हूँ मैं, ये मैनुअल, यही है मैनुअल शायद, ये सब कौन पड़ता है, वारंटी वारंटी जो भी है, बट काम आएगा, मोबाइल वगैरह खराब होगा तो उसके लिए। तो ये भी खुलता है इसके अंदर का, देख रहे थे गाइस क्या है। तो बाकी इस तरीके से दिया है कि सिम को इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से डालना है, एक सिम दो सिम डलेगा या फिर एक मेमोरी कार्ड डलेगा, जैसे कि देख सकते हो, ये देखो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। और ये जो फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, चार्जिंग एंड बैटरी सेफ्टी एरर वार्निंग वगैरह दिया है। तो ये देख लो भाई, ये कौन सा मोटो जी 54 उल्टा दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, सो अब आगे हमारे फोन को ओपन करने का, यार ये ओपन करने का, तो चल गए, इसमें स्क्रीन लगेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा भाई, स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसको चालू करते हैं, ये हो चुका है चालू, दिख रहा है कि नहीं, कैमरा का इसका फ्लैश लाइट, इसको बंद कर देता हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, यस देखिए चालू हो रहा है, हो जा चालू। पावर्ड बाय थिंकशील्ड, इसकी जो बोलेगा हाय हाय हाय, ये जो हेलो मोटो वाला जो स्टार्टिंग आता है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या बोला है, कनेक्ट टू मोबाइल, स्किप कर देते हैं इसको, अभी फिलहाल स्किप कर देते हैं ना। तो वाईफाई करते हैं, वाईफाई का अपने कोई पासवर्ड नहीं है, तो पासवर्ड मैं डाल के आता हूँ। तो भाई हमारा फ़ोन हो गया चालू, देख सकते हो, और अभी फ़िलहाल हम लोग चालू कर रहे हैं इसको इस तरीके से, घड़ी में फ़ोन इज रेडी, अभी डायरेक्ट चालू कर देते हैं इसमें, है ना, लोड ले रहा है। तो भाई यहाँ पे हो रहा है फ़ोन चालू, जल्दी जल्दी यहाँ पे जिमेल मांग रहा है इसको, कल से स्किप, अभी फिलहाल स्किप, सब कुछ स्किप। तो भाई मैं आप लोगों को मिलता हूँ फोन चालू करने के बाद, और आप लोगों को पूरा फैसिलिटी मतलब जो भी है दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मेरा फोन हो गया चालू, तो फिंगरप्रिंट चालू करते हैं, और अच्छा फास्ट है, और जैसे कि देख सकते हैं हम लोग लेकर चलते हैं बाहर की तरफ, और कैमरा वगैरह दिखा देते हैं, पहले मैं आप लोगों को सेटिंग वगैरह पूरा दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं डाला हूँ मैं, फिर पुराने फ़ोन से पूरा डालूंगा मैं, फिर उसमें क्या है पर्सनल चीज़ें भी आ जाती हैं। तो डिवाइस है, देखो डिवाइस नेम मोटो जी 54, फ़ोन नंबर अभी तक कुछ भी है, लीगली, सॉफ्टवेयर चैनल रिटेन है, और एंड्रॉयड वर्जन 13 है भाई, हाँ एंड्रॉयड वर्जन बता देता हूँ, 13 है यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन, और चलो ठीक है बाकी सब। तो डिवाइस नेम, अरे वो कहाँ आता है अबाउट फ़ोन का, सो ये देख सकते हो, ये है रैम साइज 12 GB और रोम साइज 256 GB, और डिस्प्ले 2400x1080,
कैमरा फ्रंट है 16 रेयर है 50 और 8 मेगापिक्सल। कैमरे का तो इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास आईफोन है, तो दैट्स व्हाई। और आप लोग भी ले सकते हैं, मैं रेगुलर यूज़ के लिए लिया हूँ मैं, क्योंकि वाला मेरा फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब हो गया है और बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो यही था, बस यही था आज का, जैसे कि देख सकते हो। बाकी उसका कुछ नहीं था, तो बाकी इसमें मैं कुछ कुछ देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी देखा नहीं हूँ, तो अभी फ़िलहाल कुछ रखना पड़ेगा। इसका वाइब्रेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है मेरे को, और क्या क्या है, नोटिफिकेशन ऐसा है, नोटिफिकेशन अलग ही है भाई, से नोटिफिकेशन वाला समझना पड़ेगा अभी तो मेरे को पूरा सिस्टम है मोबाइल का, क्या 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 नहीं है करके। चलो भाई, अपने यहीं का ख़त्म करते हैं ना ये फ़ोन को। और ये है फ़ोन, बैक में बाहर से दिखा दो तो इस तरीके से मस्त शाइनिंग वाला लुक दिया हुआ है। तो बस यही है, तो अपने वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। सो दिस इज प्रोडक्शन लोग, शाइन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गुड नाइट एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सपोर्ट करो, बाय बाय।